नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं कावेंद्र चौहान। वक्त हो चुका है उत्तराखंड के खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड का, तो चलिए रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। उत्तराखंड का पहला और देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा रुद्रपुर के गांधी पार्क में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फहराया। इसके साथ ही 1000 तिरंगे गुब्बारे और कबूतर आकाश में उड़ाकर शांति का संदेश दिया। धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए बहुत गर्व की बात है जो यहां प्रदेश का पहला सबसे ऊंचा ध्वज फहराया गया। 181 फीट ऊंचे तिरंगे के लिए विधायक निधि से 28 लाख रुपए खर्च किए गए। ग्रामीण निर्माण विभाग की ओर से स्टार सेल्स कंपनी के सहयोग ने 47 दिनों में निर्माण कराया। वहीं इस ऐतिहासिक क्षण के हजारों लोग साक्षी बने। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी का नजूल भूमि में मालिकाना हक का कैबिनेट में प्रस्ताव पास करने को लेकर नागरिक अभिनंदन भी किया गया। लालकुआ निकटवर्ती क्षेत्र बिंदुखत्ता स्थित हरीश पवार मेमोरियल पब्लिक स्कूल नर्सरी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ दोनों महान पुरुषों की छायाचित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित किए। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता पवन चौहान ने कहा कि 2 अक्टूबर का दिन बड़ा महान है। इस दिन दो फूल खिले थे जिनमें महात्मा गांधी व लाल बहादुर शामिल हैं। गांधी जी की बदौलत भारत देश का नया सपना साकार हुआ है। गांधी जी ने देश को नया आयाम दिया। गांधी जी महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन, नमक कानून आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के बताए मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी का आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर उन्होंने दूर क्षेत्रों से आई टीमों से विजयी टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। इस देश का नेतृत्व कर रहे धरती पुत्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान पर इस देश में, कल भी उन्होंने शपथ ली है कि इस देश में स्वास्थ्य और सफाई को प्राथमिकता दी जाती है और उसी आधार पर आज सुबह से हम सफाई अभियान में देख टूटी पुलिया जैसी जगह जहां बहुत गंदगी फैली थी, आज यहां के युवा यहां के ग्रामीण सब लगे थे, मैं उनके साथ था और उसके बाद आज स्वास्थ्य को लेकर के बच्चों ने बहुत बढ़िया आह्वान किया है और बड़ी भीड़ है, उत्सुकता है बच्चों में क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारे शरीर के साथ साथ हमारी एक नींव है इस भारतवर्ष को मजबूत करने की, उत्तराखंड को मजबूत करने की। बिंदुखत्ता अपने आप में अग्रणी क्षेत्र है, यहाँ चाहे हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से, इस देश की सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ आदमी सैनिकों के रूप में हमारी बहुत भरपूरता है, उसके बाद में बच्चों ने बहुत आगे नाम बढ़ाया है और राष्ट्रीय खेलों में हमारे बच्चे यहाँ पहुँचने वाले हैं। वहीं चारधाम यात्रा में ई पास की बाध्यता को समाप्त करने की एक सूत्रीय मांग को लेकर आज गांधी जयंती पर्व पर बद्रीनाथ धाम में व्यापारिक प्रतिष्ठान और होटल ढाबे पूर्ण रूप से बंद रहे। श्री बद्रीनाथ संघर्ष समिति द्वारा पूरे धाम में विरोध स्वरूप बद्रीनाथ बंद का आयोजन किया गया, जिसके चलते आज बद्रीपुरी के सभी दुकानें होटल ढाबे बंद रहे। श्री बद्रीश संघर्ष समिति के बैनर तले एकजुट होकर सभी लोगों ने साकेत तिराहे पर सीमित पास जारी होने को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार पर ई पास को पूरी तरह बंद कर लाखों करोड़ों नारायण भक्तों के लिए भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट दर्शनों के लिए बिना रोक टोक खोलने की मांग के साथ सभी भक्तों को दर्शनों की अनुमति के लिए आज ये बंद और प्रदर्शन किया गया है। तो संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेश मेहता का कहना है कि धाम में प्रतिदिन करीब 15,000 तीर्थयात्रियों के रहने खाने की सुविधा है, लेकिन ई पास की बाध्यता के कारण 1,000 यात्री भी पूरे नहीं आ पा रहे और जो आ रहे हैं उनमें महज कुछ ही रात्रि प्रवास के लिए बद्रीनाथ धाम में रुक रहे हैं, शेष लोग लौट कर वापस जा रहे हैं। ऐसे में सारे होटल ढाबा कारोबारी खाली हाथ बैठे हुए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर नारायणबगड़ विकास खंड की चारों न्याय पंचायतों में कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण किया है और इस अवसर पर बुजुर्गों का माल्यार्पण कर शाल उड़ाकर उनको सम्मानित किया गया। नारायणबगड़ प्रखंड के चारों न्याय पंचायतों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी कार्यालय में एवं अनेक विद्यालयों एवं कार्यालयों में ध्वजारोहण भी किया गया।
कांग्रेस कार्यालय में बुजुर्गों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों का माल्यार्पण एवं शाल उड़ाकर उनको सम्मानित किया गया। इसी के साथ सभी न्याय पंचायतों में पूर्व सैनिकों को भी मेडल व फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया है। प्रथम तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। आज हमने विकासखंड नारायणबगड़ में ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे उत्तराखंड में शहीद हुए भाइयों को हमने श्रद्धांजलि देते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया। और इस अवसर पर हमने एक हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक फैसला लिया कि प्रत्येक विकासखंड में, प्रत्येक न्याय पंचायतों में आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हमारी नारायणबगड़ में 5 न्याय पंचायतें हैं, 5 न्याय पंचायतों के अंतर्गत आज हमारे प्रभारी नियुक्त हुए हैं। सभी न्याय पंचायतों में कार्यक्रम मनाया जा रहा है और ये जो उनने फैसला हमें आदेश दिया है कि जो हमारे यहाँ पे वरिष्ठ जो है हमारे कांग्रेस जन हैं उनको हम सम्मानित किया जाएगा, हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानी उन्हें सम्मानित किया जाएगा और जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं सभी को हमने यहाँ पे सम्मानित किया है अपनी पार्टी की ओर से। इस अवसर पे हमने सबको सम्मानित करने का काम किया है और ये कार्यक्रम जो है प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर आज हमारे यहाँ पे मनाया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने अपना 30-40 सालों से अपना पूरा मन जो है कांग्रेस के लिए दिया, तन मन धन से काम किया, आज हमने उनको यहाँ पे सम्मानित किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज कोटद्वार दौरे पर है, गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। कोटद्वार विधानसभा में आज स्थानीय लोगों के द्वारा 7 कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरीश रावत शिरकत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज गांधी जयंती के अवसर पर लाल पानी में कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान भारी जनसैलाब भी पूर्व मुख्यमंत्री को सुनने के लिए कार्यक्रम में मौजूद रहा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यहां सरकार केवल अवैध खनन में और भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इसका विकास से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। कोटद्वार की जनता ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस कदर अवैध खनन हो सकता है। मालन नदी, सुखरौ नदी का सीना चीर दिया गया है जो इस भाजपा सरकार में मुमकिन हो पाया है। इस सरकार का जन सरोकारों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वहीं हरीश रावत ने जनता से वादा किया कि अगर 2022 में कांग्रेस की सरकार आती है तो विकास को नई गति प्रदान होगी और उत्तराखंड को विकास के रूप में एक नई पहचान मिलेगी। साथ ही सरकार बनने के एक साल के भीतर ही सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा और घरेलू गैस सिलेंडरों पर 200 रुपए की सब्सिडी प्रदेशवासियों को दी जाएगी। साथ ही बिजली के तारों में भी कटौती की जाएगी और 200 यूनिट प्रतिमाह प्रदेशवासियों को निःशुल्क बिजली दी जाएगी। ये एक सरकार केवल एक काम कर रही है, वो है खनन का काम। खनन के अलावा इनको कुछ नहीं आ रहा है। सारी मालन सुक्रो सब खोद दी है इन्होंने। आप उसको कोई दूसरा काम बता दो कोई इन्होंने किया हो। और बाकी दूसरा काम एक ही किया है, जो योजनाएं हमारी सरकार ने शुरू की थी या सुरेंद्र सिंह जी ने यहाँ शुरू की थी उनको बंद करना, उनको ठप। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उत्तराखंड की जनता उसमें क्या क्या स्वागत दिखेगा? हम अपनी पुरानी सब योजनाओं को फिर से स्थापित करेंगे और उसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे हर नागरिक को। और हम उसके अलावा गैस की सब्सिडी के तौर पर 200 रुपया प्रति परिवार प्रति माह देंगे और हम 24,000 जितने भी रिक्त पड़े हुए पद हैं उनको एक साल के अंदर भर देंगे सरकारी विभागों में और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भत्ता देंगे। दर्शकों, रुड़की में सड़क निर्माण में जमकर धांधलेबाजी हो रही है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने कई सवाल उठाए हैं। मामला रुड़की के फोरी नगर बठेड़ी गांव के मुख्य सड़क निर्माण का है। ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं कि निर्माण कार्यों में मानकों का सही पालन नहीं किया जा रहा। सड़क को बनाने वाले संबंधित विभाग के ठेकेदार और विभागीय 4 गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सड़क के काम को रुकवाना चाहा लेकिन ठेकेदार की दबंगई के चलते ग्रामीणों से सड़क के कार्य को रुकवाना असंभव लग रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार को विभागीय अधिकारियों का संरक्षण मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी विभागीय अधिकारी सड़क की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देता और सड़क की सामग्री में होने वाली दलाली खत्म नहीं करते। सड़क को अच्छी गुणवत्ता के साथ नहीं बनवाते हैं तो हम सभी ग्रामीणों के द्वारा उनका विरोध होता रहेगा।
में कमी क्या नहीं है बताओ। आप मोटा पत्थर लगा रखा, लगाना बारीक वाला, हमारी नदी का जो रेत भून का लगा रहे, कुछ भी नहीं चल पाने की है। ये तो ऐसी है कि मतलब चार दिन चलेगी और दो दिन में इकट्ठी हो जाएगी। ये ऐसी सड़क बना रहे, चौड़ाई भी कम कर दी, गड्ढे भी झुके, तू हो रूलर भी नहीं सही तरीके से फेर पा रहे, तो ये होगा? ये बताओ, हम अगर काम करना थोड़ा करो, अच्छा करो, जो समाज में दिखो कि हाँ भाई कोई काम हुआ हुआ। पर अधिकारी आए देख करके जो हो चले गए, वे उन्होंने पता नहीं हमें कुछ कहा या नहीं कहा, काम नहीं रुक पा रहा कि काम बराबर चल पा रहा है। ये तो बात तलब नहीं हो रही कि भाई अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा, कैसा हो रहा, बस पेलम पेल आदमी चलते रहो, बस भेड़ते रहो पीछे पीछे। हमने जो काम रुकवाने की बात करी तो जो कोई भी अधिकारी इस पर जो बात तलब नहीं कर रहा है, काम बराबर चल रहा है, ठेकेदार भी अपना काम पूरा चला रहा बराबर। मैलक्सर के ग्राम बहादुरपुर के पंचायत घर में गांधी जयंती को जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा धूमधाम से मनाया गया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना गया। समिति की महिलाओं व आंगनवाड़ी आशाओं ने ग्राम पंचायत सचिव आरती सिंह की उपस्थिति में गांधी जयंती के अवसर पर अपने आसपास साफ सफाई एवं गाँव को स्वच्छ रखने के लिए शपथ ली है। बैठक में ग्राम पंचायत सचिव आरती सिंह के साथ समिति की महिलाएं मौजूद रहीं। तो लक्सर की तस्वीरें हैं जहां पर धूमधाम के साथ गांधी जयंती मनाई गई। जल जीवन मिशन के तहत सभी ने प्रधानमंत्री को सुना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये गांधी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम किया गया जहां पर गांव और उसके आसपास साफ सफाई एवं गांव को सुरक्षित रखने के लिए शपथ भी ली गई है। बैठक में आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सचिव आरती सिंह के साथ समिति की महिलाएं भी मौजूद दिखी। लालकुआ के शिविरों में लगभग 50 यूनिट रक्त एकत्रित कटरवर्ती क्षेत्र बिंदुखत्ता में भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिश्न, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर बिंदुखत्ता क्षेत्र में बिंदुखत्ता भाजपा मंडल के अध्यक्ष दीपक जोशी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में रक्तदान करने आए लोगों को प्रोत्साहित करने पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने लोगों का सहयोग किया। शिविर में लगभग 50 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा लोगों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। लोगों की मदद कर रहे हैं क्षेत्र में, जो लोग पीड़ित हैं, जिन लोगों को आज ज़रूरत है ब्लड की, जो लोग हॉस्पिटलों में ब्लड के लिए परेशान रहते हैं, उन लोगों को हम इन दो महापुरुषों की जयंती पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जिससे कि कई लोगों की जान बचाई जा सके। जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीति के नहीं सामाजिक कामों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। जिस तरह से हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं ने, जिले के कार्यकर्ताओं ने, प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने कोविड काल के दरमियान पूरी तन्मयता से जनता की सेवा की है और अब कोविड की स्थिति सामान्य होने जा रही है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी सेवा समर्पण सप्ताह पखवाड़ा चल रहा है। माने मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, जिसके निमित्त आज मंडल बिंदुखत्ता ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बराबर समाज की भी चिंता करते हैं, इसलिए हम लोग लगातार समाज के बीच में रहने वाले लोग हैं, जिस कारण से जनता हमको प्यार करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज जयंती है, हम सब लोग उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री रहे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, हम उनको नमन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। हम सभी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान करा है कि दो महापुरुषों की जयंती पर कोई सेवा का काम करना है तो आज बिंदुखत्ता के स्वयंवर गार्डन में बिंदुखत्ता मंडल के सम्मानित अध्यक्ष जी ने एक बहुत अच्छा ब्लड बैंक के लिए ब्लड देने का काम करा है, ताकि सभी लोगों को जो रक्तदान की कमी से दिक्कत आती है वो दूर हो। मैं इस मंडल के प्रयासों की सराहना भी करता हूँ, साथ ही आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करा था कि गांधी जयंती के अवसर पर हम सब लोग सेवा करने के लिए जाएं, यह सब लोग सेवा के कदम से कदम मिलाकर सेवा के लिए आगे बढ़ते हुए आज यहाँ पर यहाँ के हमारे सम्मानित भाई बंधु
सब रक्तदान कर रहे हैं। मैं इन रक्तदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, साथ ही इन आयोजकों का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक श्रेष्ठ कार्य के लिए आज यह दिन चुना है। रुड़की कोतवाली पुलिस और गंगनहर पुलिस ने अलग अलग कार्यवाही कर नकली नोट बनाकर चलाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों से 5 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है। सीओ विवेक कुमार ने आज सिविल लाइन कोतवाली में दोनों मामलों का खुलासा करते हुए बताया कि रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास में रह रहे 3 आरोपियों को नकली नोट बनाकर उन्हें चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 500, 2,200 के अलग अलग 2,47,500 रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही नोट बनाने के इस्तेमाल में लाए जाने वाले प्रिंटर भी बरामद किए गए हैं। हरिद्वार जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 5 मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 5 चोरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चुराया करते थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा मामला, जिसका पर्दाफाश किया आज पुलिस ने। तो रुड़की के गंगनहर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए, जो आप पीछे देख सकते हैं, ये चोर लुटेरे जो नकली नोट बनाने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में नकली कैश बरामद किया गया है। साथ ही जिन उपकरणों से नकली नोट बनाया करते थे, उन उपकरणों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं चोर गलिया के नंदौर रेंज में 7 अक्टूबर तक वन्य जीव प्राणी सप्ताह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2 अक्टूबर के महात्मा गांधी जी की जयंती पर स्वच्छता अभियान व वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वन विभाग के कर्मचारी ने और विलेज वॉलंटरी फोर्स के सदस्यों ने भाग लिया है। जनता तक यह मैसेज पहुंचाया कि अपने आसपास कोई भी पॉलीथीन ना रहने दें, जिससे वह पॉलीथीन कभी खत्म नहीं होती और उसे जलाकर प्रदूषण होता है। उसे एक जगह रखकर नगर पालिका को दें और पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, इन्हें ना काटें और हमेशा पौधों को लगाएं, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वन्य प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर 2021 को हल्द्वानी वन प्रभाग के नंदौर वन परिसर में यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जैसे 1 अक्टूबर को हमने यहाँ पे विभिन्न स्कूलों में आर्ट कॉम्पिटिशन एंड स्लोगन कॉम्पिटिशन करवाया है। 2 तारीख को गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर स्वच्छता कार्यक्रम तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही कल 3 अक्टूबर को यहाँ बर्ड वॉचिंग करवाई जाएगी। ऐसे ही प्रोग्राम आगे कंटिन्यू किए जाएंगे 7 अक्टूबर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पूरे देश ने उनको याद किया, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राजधानी देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन कर दोनों महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दोनों नेताओं को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनको याद किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति को लेकर भी मदन कौशिक ने चर्चा की। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के इस महीने में पार्टी के कई केंद्रीय नेता लगातार दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई केंद्रीय नेता और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, उनके कार्यक्रमों को तैयार किया जा रहा है। आज हमारा अनेक कार्यक्रम अभी चुनाव की दृष्टि से हम लोग आगे मना रहे हैं, जैसा अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आएंगे परसों, कल ही हमारे रक्षा मंत्री जी थे। अभी जो सैन्य धाम पर हर जगह से मिट्टी लानी है, वहाँ भी 2 कार्यक्रम की शुरुआत, एक की हमारे रक्षा राज्य मंत्री, एक की रक्षा मंत्री भारत सरकार, दोनों को हम लोगों ने कहा है, दोनों ने स्वीकृति दे दी है। वो भी अक्टूबर महीने में हम लोग उस यात्रा की शुरुआत दोनों से कराएंगे। इस बीच में प्रहलाद पटेल भारत सरकार के मंत्री, वो भी आ रहे हैं। आदरणीय बी एल संतोष जी भी आ रहे हैं 2 दिन के प्रवास पर फिर पुणे इसी अक्टूबर में। तो कुल मिलाकर अब चुनाव की दृष्टि से जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं और हम लोग 2022 के जो लक्ष्य निर्धारित किया उस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम लोग उस सारे काम को। केदारनाथ धाम में बेहतर यात्रा संचालन को लेकर जिलाधिकारी मनोज गोयल ने रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने मार्गों में स्थापित किए गए विभिन्न बैरियरों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यात्रा मार्ग के अगस्त्यमुनि, कुंड, गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग आदि स्थानों में स्थापित की गई चौकियों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी गोयल ने यहां तैनात क्रमिकों को निर्देशित करते हुए कहा कि धाम में प्रवेश करने से पूर्व यात्रियों का ई पास चेक करते हुए उसे क्रॉस चेक किया जाए। साथ ही यात्रियों से संबंधित सूचनाओं को लेकर तिथिवार रजिस्टर में मेंटेन किया जाए। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान गुप्तकाशी स्थित बैरियर में शौचालय व उचित पेयजल के लिए उप जिलाधिकारी ऊखी मठ को निर्देश दिए।
उन्होंने धाम के अहम पड़ाव सोनप्रयाग में आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर उप जिलाधिकारी एवं यहां तैनात पुलिस एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर संचालित होने वाले घोड़े खच्चरों का भी नियमानुसार संचालन सुनिश्चित किए जाने के लिए धाम के अंतर्गत सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। सोनप्रयाग में कार्यदायी संस्था UPRNN निर्माण निगम द्वारा निर्मित पार्किंग को लेकर संबंधित संस्था को निर्देशित करते हुए कहा गया कि पार्किंग में वाहनों के प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग स्थान सुनिश्चित किए जाएं, साथ ही पार्किंग के चारों ओर विद्युत व्यवस्था भी आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए। DM ने उप जिलाधिकारी ऊखीमठ को तैनात अन्य संबंधित अधिकारियों से लगातार समन्वय स्थापित करते हुए बेहतर यात्रा संचालन के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या सीमित होने के चलते बेहतर यात्रा संचालन का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा यात्रियों को हर तरह के सहयोग देने की भी बात कही है। रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक की यात्रा का आज जिलाधिकारी मनोज गोयल ने निरीक्षण किया है। इसके साथ ही निरीक्षण के साथ ही जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को भी निर्देश दिए हैं, बाकी तमाम अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज मेरे और SP साहब के द्वारा जितने भी हमारा पूरा यात्रा मार्ग है उसमें जो विभिन्न बैरियर्स हैं उस पर किस प्रकार की व्यवस्था है उसका जायजा लिया गया, और जो यात्री बिना ई पास के आ जा रहे हैं उनको किस प्रकार से गाइड किया जाए उसके बारे में भी सबको बताया गया। इसके अलावा जो और भी इनको बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं पूरी व्यवस्था को, उसके लिए सारे बैरियर चेक किए गए और उनको आवश्यक सुझाव जो है हर बैरियर पर दिया गया। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर आंदोलन फिर से शुरू कर दिया है। इस मौके पर मंदिर परिसर में नारेबाजी के साथ तीर्थ पुरोहितों ने धरना दिया। तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि बोर्ड भंग होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने ई पास की अनिवार्यता को भी समाप्त करने की मांग सरकार से की है। केदार सभा के अध्यक्ष विनोद शुक्ला व महामंत्री कुबेरनाथ पोस्ती के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मंदिर परिसर में हेलीपैड तक तीर्थ पुरोहितों ने रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। तीर्थ पुरोहित विनोद शुक्ला किशन बागवाड़ी ने कहा कि प्रदेश सरकार देवस्थानम बोर्ड के नाम पर चारधाम से जुड़े तीर्थ पुरोहित व हक हकूकधारियों के साथ छलावा कर रही है। 2 वर्ष से धामों में आंदोलन चल रहा है लेकिन सरकार कोरे आश्वासन दे रही है। तीर्थ पुरोहितों का कहना था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इस माह के शुरू में वार्ता हुई थी जिसमें उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को लेकर कमेटी का गठन किया था, जिसके आधार पर उन्होंने रुद्रप्रयाग में होने वाले आंदोलन को स्थगित कर दिया था, लेकिन लगभग 20 दिन गुजर चुके हैं। इस दिशा में ना तो तीर्थ पुरोहितों से बातचीत की गई है और ना ही बोर्ड को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती उनका केदारनाथ धाम में आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने ई पास की अनिवार्यता को खत्म करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को 30 अक्टूबर तक फ्रीज किया है, ऐसे में ई पास की अनिवार्यता कहां से लागू की गई है यह समझ से परे है। इस व्यवस्था से कोई भी व्यापारी खुश नहीं है। कहा कि चार धाम में कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है, बावजूद इसके यात्रियों की संख्या को सीमित रखा गया है। भाजपा की चुनावी रैलियों में हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं जहां कोविड नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि चार धाम में तीर्थयात्रियों का आने पर कोविड नियमों का पालन करवाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर नियमों को ही पूरा किया जाना है तो सरकार को अपनी चुनावी रैलियों में भी नियमों का पालन करवाना चाहिए। कि जो कोविड 19 के कोड का जो पालन आदेश का दे रखा है उसके अनुसार चारों धामों में यात्रा चल रही है और उसका पूरा पालन किया जा रहा है, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि चारों धामों के लिए कोविड 19 के नियमों का पालन हो रहा है और यात्रियों की संख्या सीमित कर रखी है, जबकि इनकी जो आशीर्वाद रैलियां चल रही हैं अभी BJP की जो आशीर्वाद रैलियां चल रही हैं चाहे गणेश गोदियाल जी की देहरादून में जो रैली चली है उसमें किसी भी प्रकार का कोविड 19 के नियमों का कोई पालन नहीं किया गया है और असंख्य लोगों की भीड़ एक जगह पे इकट्ठा की गई है, न उसमें कोई मास्क का प्रयोग किया गया न सोशल डिस्टेंस का प्रयोग किया गया। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि अगर नियम करने हैं तो चाहे वो चारों धामों के लिए हो चाहे उनकी चुनावी रैलियों के लिए हो। हमारा तो यहाँ पे सभी लोगों का पूर्व में हमारे अध्यक्ष जी भी कह चुके हैं और हमारे सारे केदार घाटी का एक ही मकसद है कि देवस्थानम बोर्ड हमारे लिए काला कानून है जो कि यहाँ की सरकार के द्वारा जबरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है
और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप देवस्थानम बोर्ड कहीं से भी हमारे अनुकूल नहीं है, तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि अगर वो यहाँ पर आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे और उनसे वार्ता करना चाहते हैं। हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, चारों धामों के तीर्थ पुरोहित हैं, हम उनसे वार्ता करना चाहते हैं कि यहाँ उत्तराखंड की जो वर्तमान सरकार है इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, कतिपय लोग हमारे मंत्री, हमारे अधिकारी ऐसे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें उनको जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल नहीं हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।